हेलो फ्रेंड्स, ये है रूप क्लीनर और ये है कोलिन की खाली बोतल। ये कोलिन की, इसमें हम थोड़ा सा रूप क्लीनर डालेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं। पहले हम पानी से थोड़ा सा इसको गीला कर लेते हैं। अब हम इसको लेके इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसके सबके ऊपर स्प्रे कर देंगे। Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, ये मैं हार्पिक से ही साफ कर रही हूँ पटड़ी, क्योंकि जो वाटर मार्क होते हैं ना वो हार्पिक, देखो अंदर से भी पटड़ी पे कितना गंदा हो रहा है, हार्पिक लगते चमाचम हो जाएगी ये, क्योंकि हार्पिक से बेटर कुछ भी साफ नहीं करता है। ये सब कहने की बात है, घर में ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, हार्पिक ही सबसे अच्छा साफ करता है। और टाइल्स और पत्थर पे जितना भी पीला बनता सब ख़त्म हो गया है रोप क्लीनर से, ये सैराक्लीन का जो आता है। ये 160 की बोतल आती है, 1 लीटर की, बहुत अच्छी है। मेरी बाल्टी की भी चमाचम हो गई है। और ये अभी मैं मग्घा भी साफ़ कर देती हूँ इसी से, क्योंकि वाटर के इतने ज़्यादा वो जम जाते हैं वाइट वाइट से दाग। और ये मेरी हफ्ते में एक बार मैं इसे सफाई करती हूँ तब भी ऐसा है, क्योंकि पानी बहुत हार्ड हो चुका है, इसलिए ये करना ही पड़ता है। ये देखो आप कितनी फटाफट, मैंने 10 से 12 मिनट लगे मेरे को इस सारे काम में, अब बिल्कुल बढ़िया हो गया। ये मैं कल के ही कपड़े पहने हुए हैं इसीलिए इतना टाइम लग गया। अब ये फटाफट मैं ये साफ़ कर देती हूँ कॉर्नर, अपना सामान इन पे लगा दूँगी साफ़ करके। ये तो मैं से कपड़े से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि क्योंकि थोड़ी बहुत धूल ही होती है, कोई ज़्यादा ये तो है नहीं इसमें। अब ये लग जाएगा सब साफ होके फटाफट से, चल रहा है। मैं आपको बाथरूम हो गया है चकाचक, देखो बिल्कुल क्लीन हो गया है, कितना पीला पीला था, देखो किनारे भी कितने चमक गए हैं। और अभी वाइपर नहीं लगा तब इतना सुंदर दिख रहा है, अगर बिल्कुल सूखा कर दूँ तो और भी वाइट हो जाएगा, सब एकदम चमाचम हो गया है। टैब भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना, अभी आपने वीडियो में देखा होगा कितना जंग लगा हुआ था इस टैब पे, अब देखो कितनी चमक रही है, ये वाले भी और ऊपर वाले भी, इनका मैं फ़ोटो लगाऊंगी भी पूरा, देखना आप। ठीक है फ्रेंड्स।